अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मानी फ्रेंड किसी, और मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर मानी। और अभी मैं यहां से फिरोजपुर रोड से गुजर रहा था तो रास्ते में आ गया इचरा। तो वहां पे मैंने सुना है पठूरज हैं, वहां के बहुत मशहूर हैं, 50 साल पुरानी दुकान है कोई, जहां के पठूरे बहुत मशहूर हैं। उसके रिव्यूज़ वगैरह भी काफ़ी लोगों ने किए हैं कि बहुत अच्छे हैं, तो मैंने सोचा यहाँ पर आए हैं तो ट्राई कर लेते हैं। वैसे स्पेशल मैंने यहाँ पर नहीं आना था, गुजर रहा था तो मैंने कहा चले कर लेता हूँ ट्राई। और अभी आज है भी नहीं कोई मेरे साथ, मैं अकेला ही हूँ, तो अभी जाते हैं वहाँ पे। और आपको लोकेशन भी मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ कि कहाँ पे है, और प्राइस वगैरह भी हर चीज़ आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। तो चलें चलते हैं। यहाँ पे आ गए इचरा बाज़ार, ये है पाकिस्तानी चौक, और HBL बैंक के बिल्कुल साथ ये लाहौरी शाही भटूरे हैं। इनके ऊपर हाजी साहब की तस्वीर भी बनी हुई है, ये असली वाले हैं। एक साथ भी हैं लेकिन वो असली नहीं है, ये असली वाले हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या है इनके भटूरों में कि यार 50 साल से इनकी दुकान चल रही है और लोग इतनी दूर दूर से इनके भटूरे खाने आते हैं। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा क्या है आप लोगों के भटूरों में कि 50 साल से आपकी दुकान चल रही है और लोग इतनी दूर से भटूरे खाने आते हैं? एक बड़ा अल्लाह का करम है, ये भी शुक्र है अल्लाह का। इसमें दरअसल कुछ एक क्वालिटी का भी बड़ा होता है, जैसे कि रेसिपी होगी, रेसिपी हमारे घर की है, मसाला जो हम जो डालते हैं ये हमारे घर के हैं, वो बनाना है हमने, इसके अंदर घर में तैयार करना है। रेडीमेड चीज़ हमारी कोशिश होती है बाहर की चीज़ इसके अंदर कम से कम इस्तेमाल हो, जो खुद हम तैयार कर रहे हैं वो इसके अंदर सारे मसाला जहाँ डाले जाएँ। चने में भी हम खुद तैयार करते हैं, जो वो भटूरे के अंदर डलता है मसाले वगैरह, वो भी हम खुद तैयार करते हैं। चने जो हैं उनकी क्या लें, खास बात ये है इसके अंदर ना घी होता है, ना ऑयल होता है, ना कुछ टमाटर प्याज ऐसे ऐसे कुछ नहीं होते, सिर्फ ये मसाले से तैयार होते हैं, तो लोग बड़े शौक से खाते हैं ये। अच्छा, मैंने सुना है कि ये आप लोगों के लाहौर के सबसे पुराने हैं भटूरे वाले, तो इसमें क्या सच्चाई है? ये ऐसे ही है या ऐसे अफवाह फैली हुई है? जी जी बिल्कुल, आप ये सही बात है कि सबसे पहले जो है आई साहब ने लाहौर में भटूरे शुरू किए थे, तो अब लाहौर में जगह जगह भटूरे वाले बैठे हैं। तो उसमें ये होता है कि अब जैसे कोई हमारे पास काम करने आ गया कारीगर, उसने एक साल काम किया, दो साल काम किए, तो बाद में जाकर अपनी दुकान डाल के बैठ गया। लाहौर में जितने बैठे हुए हैं सब भाई साहब से काम सीख के गए हुए हैं, और थोड़ी देर में किसी ने वहाँ दुकान बना ली, किसी ने वहाँ दुकान बना ली, ये सिस्टम है। चल, नसीब सबका अपना अपना। तो इसकी प्राइस वगैरह क्या है, क्या एक प्लेट की प्राइस है? इसमें एक प्लेट की प्राइस है 120, उसके अंदर दो भटूरे होते हैं, सात चनों की प्लेट होती है जिसके ऊपर रहता सैलड अचार वगैरह डाल के सर्व किया जाता है आगे। चलें जी, अब इनकी बात हो गई है इनसे, अब देखते हैं ट्राई करते हैं इनके भटूरे के, वाकई इनके भटूरों में ऐसी बात है कि लोग इतनी दूर दूर से आते हैं खाने, या बस ऐसी अफवाह फैली हुई है? तो चलें अब ट्राई करते हैं भटूरे। ओके, तो भटूरे मेरे आ गए हैं, और ये देखते हैं आप, और सेवन अप भी मैंने मंगवा ली, क्योंकि सेवन अप के बगैर तो यार मज़ा ही नहीं आता, सेवन अप या स्प्राइट के बगैर मज़ा ही नहीं आता। तो अब आ गए हैं भटूरे, इनको टेस्ट करके बताता हूँ कि किस तरह के हैं। भटूरे यार इनके वाकई बहुत मज़े के हैं, और गरम गरम आए हैं, और मेरा मुंह भी जलने लगा था, लेकिन इनका टेस्ट वाकई बहुत मज़े का है। चने भी एक अलग किस्म के हैं, क्योंकि मैंने जितने भी भटूरे खाए हैं ना, जहाँ से भी खाए हैं, उनमें कभी चने जो हैं वो पुराने होते हैं, कभी भटूरों के अंदर स्मेल आ रही होती है, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश हैं, और टेस्ट इनका वाकई बहुत मज़े का है। इसीलिए इनकी दुकान जो है वो इतनी चल रही है, 50 साल पुरानी दुकान है, और लोग काफ़ी दूर दूर से खाने आते हैं। तो आप भी आएँ यहाँ पर ट्राई करें, तो भी मैं खाता हूँ सारे। अगर तो यार मैं अब घर आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे शाम हो गई थी, और शाम के वक्त वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रही थी, ऊपर से आज वीकेंड भी था, तो मैंने सोचा जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, ये ना हो कि वीडियो के चक्कर में वहाँ पे ट्रैफिक में फंस जाऊँ, तो इसलिए मैं घर आ गया। और भटूरों की बात की जाए तो भटूरे वाकई बहुत मज़े के थे, अगर आप लोगों का उस साइड पर जाना हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। और अगर आप लोगों को भी किसी जगह का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वहाँ जाकर ज़रूर रिव्यू करूँगा। तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें यार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। I keep it going, I'm rolling and flowing, I'm coasting, I got 'em all trolling me right. I just keep growing and showing them, knowing I'm owning this flow, you can catch me outside.
side. Gonna get them all with a little payback. Never gonna fall, I'ma stay on the attack.